In exercise 3.22, what we have? Very long statement of the question, but we will go through it. Ek baar padhte hain. Figure show a potentiometer with a cell of 2 volt and internal resistance 0.40 ohm. देखिए, हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर है जिसमें जो ड्राइवर सेल है उसका ईएमएफ 2 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है प्यारे बच्चों, 0.4। इसको हम बोलते हैं ड्राइवर सेल। ओके, वो सेल जो पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर कहाँ है, हमारा ए से लेके और ये जो बी है, ए से लेके बी के बीच में जो वायर है ये हमारा पोटेंशियोमीटर का वायर है, और इस पोटेंशियोमीटर वायर को करंट कौन देता है? जो भी पोटेंशियोमीटर को, देखिए, जो भी सेल पोटेंशियोमीटर को करंट देता है उसको हम बोलते हैं ड्राइवर सेल, या उसका एक दूसरा नाम होता है प्राइमरी सेल। और जिस सेल का ईएमएफ हम फाइंड आउट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल। क्या ये बात प्यारे बच्चों समझ में आ गई? सुन लीजिए, पोटेंशियोमीटर में सबसे पहले हमें करंट फ्लो करना होता है, तो पोटेंशियोमीटर के वायर में जिस सेल की हेल्प से हम करंट देते हैं उस सेल को हम बोलते हैं ड्राइवर सेल या प्राइमरी सेल। और जिस सेल का ईएमएफ हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियोमीटर की हेल्प से उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल। तो अगर कोई आपसे पूछे प्राइमरी सेल क्या होता है या सेकेंडरी सेल क्या होता है पोटेंशियोमीटर में, तो आप जवाब दे देंगे ओके। आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा पोटेंशियोमीटर है उसमें जो ड्राइवर सेल है उसका ईएमएफ 2 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 दिया है। मेंटेनिंग अ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर वायर एबी। अब ये ड्राइवर सेल क्या करता है, ए और बी के बीच में एक पोटेंशियल ड्रॉप को क्या करता है, मेंटेन करता है। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, पोटेंशियल अपॉन लेंथ, मैंने आपको बताया था। चलिए, अ स्टैंडर्ड सेल विच मेंटेन अ कांस्टेंट ईएमएफ 1.02 वोल्ट फॉर अ वेरी मॉडरेट करंट अप टू अ फ्यू मिली एम्पियर। देखिए, एक सेल है जिसका ईएमएफ कितना है 1.02, लेकिन उसमें से हमें करंट क्या मिलता है, बहुत ही कम करंट मिलता है, मिली एम्पियर। गिव अ बैलेंस पॉइंट एट 63.3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर। देखिए, अगर हम पोटेंशियोमीटर में एक ऐसा सेल लेते हैं जिसका ईएमएफ कितना है 1.02, ठीक है, तो हमें नल पॉइंट कितने पर मिलेगा, 63.3 लेंथ पे। देखिए, अगर हम ये जो हमारा, देखिए, ये है हमारा प्राइमरी सेल और ये है हमारा सेकेंडरी। ड्राइवर सेल का एक नाम और क्या है, प्राइमरी सेल। प्यारे बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइवर सेल या प्राइमरी सेल, और इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल जिस सेल का ईएमएफ हम कैलकुलेट करते हैं या जिस सेल को यूज करके हम नल पॉइंट निकालते हैं। तो देखिए, उसने कहा है जब सेकेंडरी सेल का हमने एक ऐसा सेल लिया है जिसका ईएमएफ कितना है 1.02, तो तब हमें नल पॉइंट कितने पे मिलता है, तब हमें नल पॉइंट मिलता है 63.3 सेंटीमीटर पे। ओके, टू एनश्योर वेरी लो करंट ड्रॉ फ्रॉम द स्टैंडर्ड सेल अ वेरी हाई रेजिस्टेंस ऑफ 600 किलो ओम इज पुट इन सीरीज विद इट। अब ये जो सेकेंडरी सेल है इसके साथ हमने क्या कर दिया, एक हाई रेजिस्टेंस ज्वाइन कर दिया है, कितना, 600 किलो ओम का, इस सेकेंडरी सेल के साथ एक रेजिस्टेंस और लगा दिया है। ओके, इन सीरीज विद इट विच इज शॉर्टेड क्लोज टू बैलेंस पॉइंट। देखिए, इसके साथ में क्या दिखाई दे रही है, की दिखाई दे रही है। शॉर्ट करने का मतलब क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे,
ये जो जॉकी है ये आप जानते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, जॉकी। तो जॉकी से हम ऐसे ऐसे ड्राइव करेंगे और मान लीजिए यहां आके हमें क्या मिल गया, सपोज पी पॉइंट पे हमें नल पॉइंट मिल जाता है। तो जब हमें नल पॉइंट मिल जाता है उसके बाद हम इस की को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। ओके, पहले ये ऑफ रहता है, जॉकी को ए से बी तक ड्रैग करते हैं और जैसे ही नल पॉइंट मिल जाता है फिर इस की को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ये हमसे कहा गया। ओके, द स्टैंडर्ड सेल इज देन रिप्लेस बाय अ सेल ऑफ अननोन ईएमएफ ई। देखिए सेकेंडरी सेल का एक दूसरा नाम और होता है स्टैंडर्ड सेल। ये प्यारे बच्चों नॉमिक्लेचर आपको क्लियर होने चाहिए। जो सेल पोटेंशियोमीटर को करंट देता है वर्क करने के लिए उसको हम बोलते हैं ड्राइवर सेल या प्राइमरी सेल। ओके, और जिस सेल का ईएमएफ हम पता करते हैं या जिस सेल को अटैच करके हम नल पॉइंट निकालते हैं उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल या स्टैंडर्ड सेल। तो सबसे पहले हमने एक स्टैंडर्ड सेल लिया था जिसका ईएमएफ कितना था, 1.02। तो हमें नल पॉइंट कितने पे मिला, 63.3। अब सवाल वाला कहता है कि उस सेल को हटाया गया और एक दूसरा सेल लगाया गया जिसका ईएमएफ हमें नहीं मालूम था, लेकिन क्या था, अननोन ईएमएफ ई। ठीक है, स्टैंडर्ड सेल इज देन रिप्लेस बाय अ सेल ऑफ अननोन ईएमएफ ई। पहले वाले को हटा दिया गया, दूसरे वाले को लगा दिया गया। एंड द बैलेंस पॉइंट फाउंड सिमिलरली टर्न आउट टू बी 82.3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर। तो प्यारे बच्चों तब हमें नल पॉइंट मिलता है 82.3 पर। तो हमसे पहली चीज क्या पूछी गई है, वैसे तो इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कई सारी चीजें पूछ रही है ए बी सी डी ई एफ, बट वी विल आंसर वन बाय वन। चलिए तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट वन का आंसर देते हैं। हमसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, यानी ये जो अननोन ईएमएफ है, अननोन ईएमएफ ई, जो अननोन ईएमएफ है वो हमसे पूछा गया। तो लेट्स सॉल्व इट। सबसे पहले वी आर गोइंग टू सॉल्व द ए पार्ट। तो प्यारे बच्चों पोटेंशियोमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ई सिंस ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एयर, ये है पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल। पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। तो प्यारे बच्चों यहां से हम लिख सकते हैं ई वन अपॉन ई टू इज इक्वल टू एल वन अपॉन एल टू। तो वैल्यू प्लेस कीजिए, 1.02 अपॉन ई इज इक्वल टू 63.3 82.3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो ई आ जाएगा 1.25 वोल्ट। ठीक है, बाय सॉल्विंग दिस, ठीक है, जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये कोई इतना बड़ा हार्ड एलजेब्रा नहीं है, इट्स अ वेरी इजी एलजेब्रा। आपका जो ई होगा that will become 1.02 multiply 82.3 over 63.3, and by solving this term you will get E is equal to 1.25 volt. So this is the answer of first part. Okay, now देख लीजिए हमसे पूछा गया था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई। तो फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया, नाउ मूव ऑन द सेकंड पार्ट। ठीक है, चलो इन द बी पार्ट व्हाट वी हैव, हमसे पूछा गया है व्हाट पर्पस डज द हाई रेजिस्टेंस ऑफ 600 किलो ओम हैव। देखिए सेकेंडरी सेल के साथ हमने जो सीरीज में 600 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाया है तो हमसे पूछा है इसका यूज क्या है। तो प्यारे बच्चों इस सेकेंडरी सेल से करंट जब चलेगा तो वो सीधा किस में जाएगा, गैल्वेनोमीटर में, और गैल्वेनोमीटर में जो करंट की रेंज होती है वो होती है मिली एम्पियर में।
ओके। तो गैल्वेनोमीटर को डिटेक्ट करने के लिए बहुत ही गैल्वेनोमीटर को वर्क करने के लिए बहुत ही कम करंट चाहिए, मिली एम्पियर में करंट चाहिए उसको, अपना वर्क करने के लिए कोई ज्यादा करंट की जरूरत नहीं है। तो हम चाहते हैं कि यह जो सेकेंडरी सेल है उसमें से एकदम से सडन बहुत ज्यादा करंट ना निकले, गैल्वेनोमीटर में ना जाए, क्योंकि गैल्वेनोमीटर को वर्क करने के लिए थोड़ा सा करंट ही काफी है। तो इसलिए गैल्वेनोमीटर को हाई करंट से बचाने के लिए वी अप्लाई अ हाई रेजिस्टेंस। तो इसका जो आंसर है प्यारे बच्चों, व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट दिस क्वेश्चन, तो समझ लीजिए, टू प्रोवाइड सेफ्टी टू गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर को क्या प्रोवाइड कराने के लिए, सेफ्टी प्रोवाइड कराने के लिए, ओके, फ्रॉम फ्लो ऑफ सडन हाई करंट, सडन हाई करंट, ओके। हम चाहते हैं कि सेकेंडरी सेल में से क्या एकदम बहुत ज्यादा करंट गैल्वेनोमीटर में ना जाए, गैल्वेनोमीटर जैसे हम रेजिस्टेंस लगाएंगे तो सेकेंडरी सेल में से माइनर करंट जाएगा गैल्वेनोमीटर में, और गैल्वेनोमीटर इजीली क्या करेगा, अपना वर्क कर लेगा। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होगा तो एकदम सडन बहुत ज्यादा करंट गैल्वेनोमीटर में जाएगा, और गैल्वेनोमीटर को वर्क करने के लिए ज्यादा करंट नहीं चाहिए, बहुत ही माइनर करंट चाहिए। तो हम गैल्वेनोमीटर को क्या देते हैं, सेफ्टी देते हैं फ्रॉम फ्लो ऑफ सडन हाई करंट। तो क्या बात समझो भाई, इन द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय द हाई रेजिस्टेंस, यानी अगर मैं ये हाई रेजिस्टेंस ना लूं और तब जो कि से नल पॉइंट लूं तो क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों पोटेंशियोमीटर में देखिए बहुत ही सिंपल सा जवाब है, नल पॉइंट यानी पोटेंशियोमीटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो है सिंस E directly proportional L, यानी जो null point है वो किस पे depend करता है, secondary cell के EMF पे depend करता है, इस resistance का कोई role नहीं है, ये resistance तो केवल current के flow को क्या करता है, control करता है, null point इस पे depend नहीं करता है। Since E directly proportional L, यानी null point depend only on the EMF of secondary cell, जो L L L क्या मतलब है बेटा? L का मतलब है null point, L का मतलब क्या है? null point। तो जो null point है वो केवल secondary cell के EMF पे depend करेगा, higher the EMF of secondary cell, higher the null point, okay? तो null point depend only on the EMF of secondary cell, it not depend on the this resistor. ठीक है, तो null point does not depend on the high resistance, ओके, तो इस high resistance पे null point depend नहीं करेगा। इसका काम क्या है, अभी बताया था, to control the flow of current, ओके प्यारे बच्चों। ओके, इन द टी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ड्राइवर सर, यानी हमें जो नल पॉइंट मिलता है या बैलेंस पॉइंट मिलता है, नल पॉइंट और बैलेंस पॉइंट प्यारे बच्चों एक ही बात है। हमसे कहा गया है कि हमें जो नल पॉइंट मिलता है उस नल पॉइंट में इस ड्राइवर सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई रोल है या नहीं, तो जरा ध्यान देना प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल सा जवाब इस बात पर, इस ड्राइवर सेल से हमें जो करंट मिलता है, देखिए मैंने आपको बताया ड्राइवर सेल का मतलब क्या है, करंट सप्लाई करना, किसको, पोटेंशियोमीटर को, ओके? तो यहां से जो करंट मिलता है I is equal to वो होता है E over R plus small r।
तो यानी ये करंट किस पे डिपेंड करेगा? इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, E ओवर R प्लस स्मॉल r। बात समझा भाई? I डिपेंड ऑन इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन क्या रे बच्चों, यानी हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब I डिपेंड ऑन R। लेकिन क्या रे बच्चों, बट एट नल पॉइंट, नल पॉइंट का मतलब बैलेंस पॉइंट, ठीक है, बट एट नल पॉइंट प्यारे बच्चों आई की वैल्यू कितनी हो जाती है? जीरो। नल पॉइंट क्या होता है? नल पॉइंट जब करंट क्या हो जाता है, बैलेंस, यानी लेफ्ट हैंड साइड का करंट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का करंट, दोनों करंट एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट। किरचॉफ फर्स्ट रूल याद है, इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। गैल्वेनोमीटर में नल पॉइंट का मतलब क्या है, यानी गैल्वेनोमीटर की सुई क्या हो जाती है, जीरो पे। जीरो पे यानी लेफ्ट हैंड साइड का करंट और राइट हैंड साइड का करंट दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। गैल्वेनोमीटर की जो ब्रांच होती है वो दो लूप बना देती है, यानी एक लूप का करंट इज इक्वल टू सेकंड लूप का करंट। तो नल पॉइंट जब हमें मिलता है या बैलेंस पॉइंट हमें जब मिलता है तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट हो जाता है, यानी करंट नेट करंट कितना हो गया, जीरो। नेट करंट क्या भाई, जब इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, जो हमारा नल पॉइंट है, जिस पॉइंट पे हमें नल पॉइंट मिलता है वहां पर इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट हो जाता है, तो नल पॉइंट हमें मिल जाता है, नल पॉइंट यानी आई इज इक्वल टू जीरो। और प्यारे बच्चे जब करंट ही जीरो हो गया तो बाकी पैरामीटर का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देखिए जब हमारे पास करंट की कोई वैल्यू है तो बाकी वैल्यू मायने रखती है, लेकिन जब करंट ही जीरो हो गया है तो इंटरनल, देखिए अगर मैं आई की वैल्यू जीरो ले लूं फिर ये वैल्यू कुछ नहीं हो, क्या फर्क पड़ने वाला है, बात समझ आ गई। तो नल पॉइंट पर आई क्या हो गया, जीरो, हेंस उस वक्त किसी भी पैरामीटर का कोई रोल नहीं रहता। आर डज नॉट यानी इंप्लाई दैट नल पॉइंट नॉट डिपेंड ऑन आर। तो जब करंट जीरो हो गया तो वो किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करेगा, फिर चाहे वो आर ही क्यों ना हो। ओके प्यारे बच्चों, इन द ई पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हमसे कहा गया है, वुड द मेथड वर्क इन द अबव सिचुएशन इफ द ड्राइवर सेल ऑफ द पोटेंशियोमीटर हैंड हैड, दिस इज had an EMF of 1 volt instead of 2 volt। देखिए प्यारे बच्चों हमसे कहा गया है जो आपका ड्राइवर सेल है उसका EMF कितना है प्यारे बच्चों, 2 volt। अब हमसे कहा गया है न्यूमेरिकल में कि अगर इस 2 volt को हम क्या कर दें, 2 volt की जगह 1 volt ले लेते हैं। सवाल वाला ने क्या बोला है, अगर 2 वोल्ट की जगह हम क्या ले लें, 1 वोल्ट, तो क्या आपका पोटेंशियोमीटर वर्क करेगा? अभी देखिए प्यारे बच्चों, जरा ये बताइए, जब हमने पार्ट ए सॉल्व किया था तो वहां मेरा ये जो सेकेंडरी सेल है उसका ईएमएफ कितना आया था, 1.25 वोल्ट। ओके, जब हमने पार्ट फर्स्ट पार्ट ए सॉल्व किया था तो ईएमएफ इस सेल सेकेंडरी सेल का ईएमएफ कितना आया था, 1.25 वोल्ट। ओके, अब जरा ध्यान देना, मेरे सेकेंडरी सेल का ईएमएफ कितना है, 1.25 सॉल्व करके। क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है, ड्राइवर सेल का ईएमएफ कितना कर दो, 2 की जगह 1 कर दो। तो क्या अब ये वर्क करेगा, तो जरा समझ लीजिए बेटा। सबसे पहले तो बेसिक बात समझिए, फॉर द प्रॉपर वर्किंग, फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर, फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर सही काम करेगा कब, अगर ईएमएफ ऑफ ड्राइवर सेल, ईएमएफ ऑफ ड्राइवर सेल इज ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी सेल। समझ लीजिए, सेकेंडरी सेल,
अगर ड्राइवर सेल का ईएमएफ सेकेंडरी सेल के ईएमएफ से ज्यादा हो है, तभी हमारा पोटेंशियोमीटर क्या करेगा, वर्क करेगा। यानी सेकेंडरी सेल का ईएमएफ हमेशा क्या होना चाहिए, ड्राइवर सेल के ईएमएफ से कम होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ सेकेंडरी सेल का आंसर कितना आया था, 1.25। एग्जामिनर कहता है कि भाई ड्राइवर सेल का पोटेंशियोमीटर 1 की जगह 2 कर लो, तो ऐसा करने पे तो ड्राइवर सेल का ईएमएफ क्या हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा, यानी इट विल नॉट वर्क। समझ में आ गया? तो क्या आंसर है, सिंस ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी सेल इज इक्वल टू 1.25 वोल्ट, हेंस ड्राइवर सेल ऑफ ईएमएफ 1 वोल्ट विल नॉट वर्क। ठीक है बेटा, 1 वोल्ट का ड्राइवर सेल वर्क नहीं करेगा, यानी ड्राइवर सेल की वैल्यू 1.25 से क्या होनी चाहिए, ज्यादा ही होनी चाहिए। ओके, तो प्यारे बच्चों, इसको हम क्या करें, इस ये वन हमारे लिए कामयाब नहीं है, हमारे लिए तो क्या वो ही सही रहेगा। हाँ, अब टू इससे ज्यादा हो गया, अब ये वर्क करेगा। तो अगर आप इस ड्राइवर सेल की वैल्यू ईएमएफ 2 वोल्ट से 1 वोल्ट करेंगे तो इट विल नॉट वर्क। क्लियर हो गया? In the last part of this numerical, what we have? Would the circuit work well for determining an extremely small EMF? देखिए, ये जो secondary cell है, हम इसका EMF find out करते हैं potentiometer में। Potentiometer में हम क्या find out करते हैं? EMF of a cell, okay? अच्छा, और working principle क्या है हमारा? हमारा जो working principle है प्यारे बच्चों, वो है EMF किसका? सेकेंडरी सेल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल। ठीक है, जो सेकेंडरी सेल का ईएमएफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। क्या बात समझ आ गई? यानी इस जितना ज्यादा इसका ईएमएफ होगा उतना ही ज्यादा हमें क्या मिलेगा, नल पॉइंट मिलेगा। और अगर ये ईएमएफ कम हुआ तो ये L की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, L क्या है प्यारे बच्चों, दिस इज L, नल पॉइंट। ओके, तो अगर EMF ज्यादा है सेकेंडरी सेल का तो नल पॉइंट हमें हाई मिलेगा, और अगर सेकेंडरी सेल का EMF कम है तो ये P, जरा ध्यान दीजिए, खिसक के कहां जाएगा, इधर आ जाएगा ही नहीं। तो सेकेंडरी सेल का जो EMF है वो डायरेक्टली डिपेंड ऑन L। ठीक है, अगर मान लीजिए इसका, सपोज कीजिए इसका ईएमएफ है 10 और आपको नल पॉइंट मिला इधर, तो अगर इसका ईएमएफ 10 से क्या हो जाए 9, तो पी इधर आ जाएगा, 8 पे इधर। तो जैसे जैसे आप इसका ईएमएफ कम करते जाएंगे 7, 6, 3, 2, 1, ये भी खिसक के इधर आता जाएगा, फिर 1 के बाद 0.9, 0.8, 0.5 और खिसक के इधर आ जाएगा। यानी जितना ये कम होगा ये पी जो है वो ए के पास आता चला जाएगा, यानी एल उतना ही क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो सवाल वाले ने हमसे पूछा है अगर इस E की वैल्यू क्या हो जाए, एक्सट्रीमली स्मॉल, ये जो सेकेंडरी सेल का EMF है अगर वो क्या हो जाए एक्सट्रीमली स्मॉल, कितना मिली वोल्ट, कितना मिली वोल्ट। ठीक है, और ऐसी कंडीशन कहां आती है, ऐसी कंडीशन आपको मिल जाती है थर्मोकपल। थर्मोकपल एक डिवाइस होता है, ठीक है, तो उसने पूछा है ऐसा करने से क्या होगा, तो वही हमने बोला है ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल इफ ई इज वेरी स्मॉल। अगर हमारा ये जो ईएमएफ है वो बहुत छोटा हो जाएगा, इफ ई इज वेरी स्मॉल कॉमा एल ऑल्सो बिकम वेरी स्मॉल। तो प्यारे बच्चों, अगर E की वैल्यू कम होगी तो L की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जब L की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी तो उसको ढूंढना है ना, उसको मेजर करना, उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। L also become very small, hence null point is obtained
बताइए नल पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा? किनारों पे मिलेगा, नियर द एंड। नल पॉइंट, हेंस नल पॉइंट इज ऑब्टेन नियर द एंड्स। कहाँ मिलेगा ये नल पॉइंट? आपको किनारों पे मिलेगा। और उसको मेजर करना क्या होगा, दिक्कत आ जाएगा। विच बिकम हार्ड टू मेजर, जिसको मेजर करना क्या हो जाएगा प्यार बच्चों, बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा गया कि नहीं, हमें तो इसका ईएमएफ कम ही रखना है, तो क्या करें? तो फिर इसका एक इलाज है, उसने पूछा है ना, इफ नॉट, अगर आप ईएमएफ कम करने से नल पॉइंट नहीं निकाल पाएंगे तो आप इसको मॉडिफाई कैसे करेंगे? तो फिर हम इसका एक ही इलाज है। क्या इलाज है? हम इसके पैरेलल में, सॉरी सीरीज में, ये जो हमारा ड्राइविंग सेल है इसके सीरीज में हम एक हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे, हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस आएगा तो करंट भी क्या फ्लो होगा, हाई रेजिस्टेंस आने से करंट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, इज दैट क्लियर? और करंट लो होने से बात समझ आइए, ये एल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वी कैन मॉडिफाई बाय अप्लाई a high resistance parallel to driver cell। क्या ये आपको दिखाई दे रहा है? यस, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल था और इस न्यूमेरिकल की हेल्प से आपको पोटेंशियोमीटर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा।